गुड मॉर्निंग। हमने पिछली क्लास में बात करी थी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की या वातावरणीय निश्चयवाद की। तो जो वातावरणीय निश्चयवाद है उसकी विचारधारा के अंतर्गत हमने ये अनुभव किया कि मानव की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियाँ नियंत्रित नहीं कर सकती, बल्कि वो केवल प्रभाव डालती हैं। अर्थात जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है वो ह्यूमन एजेंसी को मान्यता नहीं देते हैं, और जो मेन फोकस है उनका पर्यावरण पर है, पर्यावरण ही सब डिटरमाइन करता है। इसी आलोचना के फलस्वरूप एक नई विचारधारा का विकास हुआ। यह विचारधारा आपकी फ्रांस में पनपी। अब यदि आप संभववाद की बात करोगे तो संभववाद शब्द का सबसे पहले उपयोग जो किया वो किया आपका लूसियन फेब्रे ने। संभववाद शब्द का सबसे पहले यूज किया लूसियन फेब्रे। 1922 में एक इतिहासकार हुए हैं, फ्रांसीसी इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम है लूसियन फेब्रे। लूसियन फेब्रे इन्होंने अपनी इनकी बुक का नाम है, इनकी बुक है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में 1922 में इन्होंने इसका इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। ये संभववाद के बारे में अपने मत व्यक्त करते हुए बोलते हैं कि देयर आर नो नेसेसिटीज, देयर आर नो नेसेसिटीज। बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज, कहने का मतलब है कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, अनिवार्यताएं नहीं है। अर्थात प्रकृति क्या करती है, आपको संभावनाएं प्रदान करती है, और प्रकृति मानव को किसी भी चीज के लिए आदेशित नहीं करती, कोई भी अनिवार्यताएं निर्धारित नहीं करती। ठीक है, ये उपागम बात करता है कि पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, पर्यावरण के द्वारा कुछ पॉसिबिलिटीज प्रस्तुत की जाती हैं, और मानव अपनी चॉइसेस के आधार पर, मानव अपनी छांट या अपने चयन के आधार पर उनका उपयोग कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो संभावनावाद है या संभववाद है, उसकी विचारधारा का जन्म और विकास कहाँ पे हुआ, फ्रांस में हुआ। लूसियन फेब्रे ने इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया अपनी पुस्तक, अपनी बुक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में। अब जो ये उपागम है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, तो जो पॉसिबिलिज्म है इसका विकास कैसे हुआ और कौन कौन से प्रमुख भौगोलिक तथ्य हैं हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में इसको देखते हैं। इसमें है फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफर्स न्यूमरस वेज फॉर ए कल्चर टू डेवलप, वही बात है। अर्थात न्यूमरस वेज मतलब बहुत सारी संभावनाएं प्रदान करता है, बहुत सारे तरीके प्रदान करता है, और कौन सा तरीका चूज करना है, कौन से तरीके का चयन करना है, या मानव अपनी तकनीकी प्रगति और अपनी संस्कृति इसके आधार पर उनका चयन करता है। ठीक है, तो प्रकृति क्या करती है, बहुत सारे तरीके आपको बताती है, और वो उन तरीकों में से कौन सा तरीका आपको बेस्ट सूट करेगा, सबसे सूटेबल है, ये मानव अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी तकनीकी और अपनी संस्कृति से निर्धारित करता है। पीपुल मेक कल्चर ट्रेड चॉइसेस फ्रॉम द पॉसिबिलिटीज ऑफर्ड बाई देयर एनवायरमेंट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो वही बात है, प्रकृति द्वारा जो उपलब्ध संभावनाएं हैं या जो संसाधन हैं उसमें से चयन करने का अधिकार किसका है, मानव का। अर्थात मानव एक प्रमुख एजेंट है, जो प्रमुख अभिकर्ता या प्रमुख एजेंट है। तो मानव एजेंसी को या ह्यूमन एजेंसी को संभववाद प्रमुख स्थान देता है। ये जस्ट अपोजिट है किसका, वातावरणीय निश्चयवाद का। अब ये देखिए, हाई टेक्नोलॉजी सोसाइटीज आर लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल एनवायरनमेंट। प्रकृति द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं या जो गतिरोध उत्पन्न किए जाते हैं वो गतिरोधों का सबसे कम प्रभाव कहाँ पड़ता है, ऐसे समाज जो तकनीकी रूप से उन्नत हैं,
ठीक है। उसके बाद में जो पॉसिबिलिटी की जो मेन थीम है उसमें तीन बातें करेंगे। ह्यूमंस आर फ्री टू चूज एंड डिसाइड देयर एक्टिविटीज, मानव स्वतंत्र है उन क्रियाओं का चयन करने के लिए जो उसको अच्छी लगे या जो जिनके प्रति वो अनुकूलित होता है उनको वो उनका चयन करने के लिए वो फ्री है, स्वतंत्र है। दूसरी बात, नेचर डू नॉट कंट्रोल ह्यूमन बीइंग्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रकृति मानवीय क्रियाओं को या मानव को नियंत्रित नहीं करती है, वह मानव के प्रति आदेशात्मक नहीं है, आदेशात्मक नहीं है। फिर है, नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज टू ह्यूमंस, अवसर और संभावनाएं प्रदान करती हैं। कौन प्रदान करता है? प्रकृति। किसको प्रदान करता है? मानव को। प्रकृति मानव को अवसर और संभावनाएं प्रदान करती है। तो ये जो तीन है ये बेसिक कोर थीम है संभववाद की। इन तीनों का जस्ट अपोजिट कर दोगे तो वो वातावरणीय नियतिवाद कहलाएगा। देखो, ह्यूमंस आर नॉट फ्री, नियतिवाद बोलता है कि मानव फ्री नहीं है क्या करने, अपनी क्रियाविधियों को क्रियाओं का चयन करने के लिए मानव स्वतंत्र नहीं है, यह है नियतिवाद। नेचर डू नॉट कंट्रोल ह्यूमन बींग्स, उल्टा प्रकृति जो है मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करती है, यह नियतिवाद है। और मानव कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बना बताती, पॉसिबिलिटी नहीं देती, वो केवल निर्देशित करती है कि ये करना है, तो वो है नियतिवाद या पर्यावरणीय नियतिवाद। तो ये दोनों में जो डिफरेंसेस आप लिखोगे तो तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे आप डिफरेंसेस भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं प्रमुख भूगोलवेत्ताओं का योगदान। तो सबसे पहले जो इतिहासकार थे लुसियन फेब्रे, जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया संभववाद का 1922 में अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में। लेकिन जो संभववाद की जो उपागम है या संभववाद की जो विचारधारा है, इसके वास्तविक जनक जो हैं वो हैं आपके विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास, इनकी बुक का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, सॉरी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, 1922 में ये पब्लिश हुई। इसका नाम है प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1922, ठीक है। इनके अनुसार, इस इन विडाल डी ला ब्लास के अनुसार प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री है, प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री है तथा जिसके परामर्श को मानने के लिए मानव बाध्य नहीं है। ये भी परामर्श भी बाध्यकारी नहीं है, केवल एडवाइजरी है। नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर, ये स्टेटमेंट इनका है कि प्रकृति एक परामर्शदात्री से अधिक कुछ भी नहीं है तथा इस परामर्श को मानने के लिए मानव बाध्य नहीं है, ठीक है। और मानव में प्रकृति द्वारा उपलब्ध संभावनाओं को अपने अनुसार अनुकूलित करने की क्षमता है, अर्थात मानव क्या करता है, प्रकृति द्वारा जो भी संभावनाएं उसको प्रदान की जाती हैं या जो भी परामर्श उसको प्रदान किया जाता है, उन परामर्श को मानव अपनी तकनीकी स्तर, अपने कल्चर और अन्य कारकों के आधार पर चेक करके वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा परामर्श उसको एक्सेप्ट करना है। अर्थात प्रकृति कुछ भी बाध्यता उसके सामने उत्पन्न नहीं करती, मानव स्वयं प्रकृति द्वारा प्रदत्त संभावनाओं में से अपनी अनुकूल संभावनाओं को चयन करता है और उसके अनुसार कार्य करता है। ब्लास जो है मानव को एक्टिव भी मानता है और पैसिव भी मानता है। ब्लास मानव को एक्टिव और पैसिव भौगोलिक कारक मानता है। मानव एक, ये कहते हैं कि मानव एक भौगोलिक कारक है जो एक्टिव भी है और पैसिव भी है, अर्थात ये कहते हैं कि मानवीय क्रियाएं पृथ्वी के सजीव और निर्जीव दोनों तथ्यों में परिवर्तन करने का साहस रखती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके जो इनका इनका डिटेल में ब्लास्ट का जो योगदान है मानव भूगोल में उसको जब हम पढ़ेंगे तो इस इनके जो और भी विचार हैं उनके बारे में हम बात करेंगे।
अब इसके बाद में जो और योगदान है ब्लास्ट के बाद में, ब्लास्ट के जो शिष्य हुए हैं वीन ब्रूंस, ब्लास्ट के जो शिष्य हुए हैं जीन ब्रूंस ने भी संभावादी उपागम को स्वीकार किया है। जीन ब्रूंस ने कहा कि नेचर इज नॉट मैंडेटरी बट परमिसिव। ये कहते हैं कि प्रकृति आदेशात्मक नहीं है, वह केवल अनुमति बोधक है, वह केवल अनुमति बोधक है। नेचर इज नॉट मैंडेटरी, कुछ भी आदेश नहीं देती है, वो क्या करती है, केवल परमिशन देती है, परमिसिव है। जीन ब्रूंस ने अपने बुक ह्यूमन ज्योग्राफी में बोला है कि प्रकृति जो है आदेशात्मक नहीं है, वो केवल अनुमति आपको प्रदान करती है। इसके साथ ही ब्रूंस मानव को एक परिवर्तनकारी और क्रियाशील कारक मानता है। मानव को क्या मानता है? परिवर्तनकारी और क्रियाशील कारक मानता है। ठीक है, ब्रूंस कहते हैं कि प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, प्रत्येक क्रियाविधियों के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। मनुष्य इन सीमाओं को पार नहीं कर सकता, लेकिन उनमें परिवर्तन कर सकता है। ये जो सीमा है उसको क्रॉस नहीं कर सकता, बट इन सीमाओं के भीतर रहते हुए मानव सब कुछ परिवर्तित कर सकता है। अर्थात ब्रूंस किसको प्रधान मानते हैं? मानवीय क्षमता को। ठीक है, और साथ ही वो पर्यावरणीय सीमाओं को भी स्वीकार करते हैं। और पर्यावरण अर्थात क्या हुआ? पर्यावरण एक सीमाकारी, पर्यावरण क्या है? एक सीमाकारी, या फिर आप कहें एक अवरोधक, अवरोधक शक्ति है। पर्यावरण एक सीमाकारी या अवरोधक शक्ति है, लेकिन वो क्या नहीं है? नियंत्रक नहीं है। ये कहना है ब्रूंस का। जीन ब्रूंस के बाद में आप देखोगे कि और भी बहुत सारे भूगोलवेत्ता हुए हैं जिन्होंने संभववाद की विचारधारा का समर्थन किया है। उसमें आप एक है एच जे फ्लूअर, एक भूगोलवेत्ता हुए हैं एच जे फ्लूअर। एच जे फ्लूअर ने मानवीय क्षमताओं और कौशल के आधार पर, मानव की जो कैपेसिटी है या उसका जो स्किल है, उसके आधार पर विश्व को विभिन्न प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। जैसे उन्होंने बोला है रीजन्स ऑफ एफर्ट, कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, या क्लासिफाई किया है रीजन्स ऑफ एफर्ट, ये इनको बोलते हैं प्रयासों के क्षेत्र। फिर उन्होंने कहा है रीजन्स ऑफ हंगर, अर्थात जहाँ पर भुखमरी का ज़्यादा विस्तार है, तो उन्होंने रीजन्स ऑफ हंगर, या वहाँ पर जो रिसोर्स स्कैरसिटी है, रिसोर्सों की कमी है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो इन्होंने जो ये क्लासिफाई किया है, ये किस आधार पर किया है? ये मानवीय क्षमताओं के आधार पर किया है। ये वर्गीकरण इन्होंने मानवीय क्षमता, तकनीकी और मानवीय प्रयासों के आधार पर किया है। तो अर्थात इनके क्लासिफिकेशन में जो मेन फोकस है या मेन एजेंट है, वो क्या है? मानव है, ह्यूमन है, या ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं। तो ये भी एक प्रकार से संभववाद की बात करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो एक फ्रांसीसी भूगोल देता हूँ, उनका नाम है डिमोंजिया। डिमोंजिया मानव शक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, मानव शक्ति या मानव शक्ति को या मानवीय क्रियाकलापों को सर्वोपरि मानते हैं, और ये मानव के परिवर्तनकारी गुणों का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार आप बात करोगे शिकागो स्कूल ऑफ थॉट के जो भूगोलवेत्ता हुए हैं के एच एस बैरोज, एच एस बैरोज,
ये ह्यूमन इकोलॉजी की बात करते हैं, मानव पारिस्थितिकी की बात करते हैं, और मानवीय क्रियाकलापों को प्राथमिक मानते हैं। ठीक है, तो मानवीय पारिस्थितिकी के जनक जो हैं एच.एस. बैरोज, ये भी संभववाद को कुछ हद तक उसका समर्थन करते हैं। इसी प्रकार नियतिवाद के बहुत प्रमुख विरोधी, जिसको बोल सकते हैं विरोधी विचार रखने वाले, कार्ल सावर, जिनका हमने पिछले क्लास में भी बात की थी, ये कल्चरल डिटर्मिनिस्टिक हैं, कल्चरल नियतिवादी हैं। आप कहोगे कि ये कल्चर को जो, या संस्कृति है, संस्कृति को मेन इवेंट मानते हैं, जिसके आधार पर जो आपका है मानव अपने परिवेश को परिवर्तित करता है। ठीक है, अर्थात कार्ल सावर जो है मानवीय कौशल और क्षमताओं को महत्व देते हैं और संभववाद को एक सीमा तक सही मानते हैं। इनकी बुक जो है वो है कल्चरल ज्योग्राफी। ठीक है, इस बुक में ये प्रकृति और मानव के बीच समायोजन को महत्व देते हैं। अब आप देखोगे कि ये जो हमने डिस्कस किया, इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जिनको आपको बाद में जब हम डिटेल में स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ाएंगे तब उनको डिस्कस करेंगे। तो ये देखोगे आपके नियतिवादी विचारधारा का जस्ट अपोजिट है संभववाद, और उसमें मनुष्य को पर्यावरण से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, और उसे पर्यावरण में अपने अनुसार परिवर्तित करने वाला एक भौगोलिक कारक भी माना गया है। अब यदि आप इसकी आलोचना करोगे तो किन आधारों पर आप आलोचना कर सकते हो? देखो, बहुत सारे संभववादी हैं, उन्होंने स्वयं भी संभववाद की आलोचना करी है। जैसे फेब्रे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगे कि जो लुसियन फेब्रे थे, जिन्होंने संभववाद जिन्होंने शब्द यूज किया, उन्होंने स्वयं संभववादी होते हुए भी यह स्वीकार किया कि मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है, मानव पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है। मानव जिन क्रियाकलापों का चयन करता है, देखो प्रकृति आपको देती है संभावना। ठीक है, उन संभावनाओं के आधार पर, उन संभावनाओं में से किसी एक संभावना का चयन करके मनुष्य अपने क्रिया कलापों का चयन करता है। ठीक है, और ये चयन करने में मानव की संस्कृति, उसका तकनीकी स्तर, ठीक है, उसकी आर्थिक संभाव्यता, इनको मानव ध्यान में रखता है। लेकिन इस डिसीजन के बाद भी ये जो मानव जिस भी क्रियाकलाप का चयन करता है वो कुछ फीडबैक प्रदान करता है, कुछ फीडबैक आता है उसको। जैसे आपको एक एग्जांपल से बताते हैं, जैसे कोई हिली एरिया है, वहाँ पर प्रकृति ने संभावना प्रदान की है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, जल विद्युत उत्पन्न करने की। तो मानव ने वहाँ पर बांध बना दिया, अर्थात प्रकृति ने उसको संभावना प्रदान की। संभावना कैसे प्रदान की? वहाँ पर पानी का प्रवाह था, नदी का प्रवाह था, और टेरेन उसके अनुकूल था। तो मानव ने संभावना का उपयोग करते हुए वहाँ पर बांध बनाया। लेकिन ये जो बांध का बनाया जाना है, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्री नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टेक्टोनिक चेंजेस हो सकते हैं बांध को बनाने से। बांध टूट सकता है, उससे वहाँ के जो सेटलमेंट है उनको नुकसान पहुँच सकता है, या और कुछ भी आपदा हो सकती है, वहाँ भूस्खलन आ सकता है। अर्थात प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त संभावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए मानव जो क्रियाकलाप करता है वो पूर्णतया प्रकृति के प्रभावों से स्वतंत्र नहीं है, अर्थात उन क्रियाकलापों पर प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है, और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफी हद तक वातावरण पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट, दूसरा, जीन ब्रूंस जो है,
जीन ब्रोन्स एक जगह लिखते हैं कि मानव प्रकृति पर निवास करता है, वह प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, अर्थात मानवीय क्रियाकलाप पर, मानवीय क्रियाकलापों पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जीन ब्रोन्स भी इस विचार के विरोध में बोलते हैं। उसके बाद में आप देखोगे जो सबसे मेन है, जिसके आधार पर, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट टॉपिक में नवनीतिवाद पढ़ेंगे, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर जो है वो बोलते हैं कि मानव को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया इस विचारधारा में। इस विचारधारा में मानव को क्या तैयार करा गया है, प्रकृति की तुलना में अधिक महत्व दिया गया है और प्राकृतिक वातावरण को तुच्छ समझा गया है, उसको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया। जबकि क्या होना चाहिए, प्रकृति और मानव दोनों के मध्य क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए या संतुलन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में कार्ल सावर, जिनके बारे में भी बताया, कार्ल सावर ने बोला कि प्रकृति और मानव के मध्य समायोजन, वही बात, प्रकृति और मानव के मध्य समायोजन को स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने संभववाद को अपनी एक्सट्रीमिज्म के कारण या केवल मानव को स्थान देने की वजह से उसकी आलोचना की। देखिए स्पष्ट है, हम कह सकते हैं कंक्लूजन में कि न तो मानवीय शक्तियां ही सर्वप्रभावी हैं और न ही मानव प्रकृति का विजेता है, मतलब तो दोनों में से कोई भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन करना क्या है, दोनों को परस्पर सामंजस्य, दोनों का जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से अंतर संबंधित, एक दूसरे से अंतर संबंधित होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, दोनों को एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, परस्पर सामंजस्य में होने चाहिए। ठीक है, दोनों में संबंध कैसा होना चाहिए, अंतर संबंधित होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के सामंजस्य पर आधारित होने चाहिए। तो सेम विचार है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, जिसको नियो डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ निश्चयवाद, या नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद कहा जाता है, उसमें हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।